के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। जहां एक तरफ भाजपा जनजातीय दर्जा देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ भाजपा नेता जनजातीय दर्जा ना देने की मांग भी उठा रहे हैं, जिसको लेकर हाटी विकास मंच के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने भाजपा के बड़े नेता को चेताया कि हाटी के हितों की राह में रोड़ा अटकाने वालों की अब खैर नहीं होगी। गिरिपार के समाज में जनजाति जहर उगलने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर वह नहीं सुधरे तो फिर पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये एक जात के आधार पर इकट्ठे हो जाते हैं, ना इनके लिए सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, केवल लोगों के लिए, लोगों को बांट रहे हैं आप राजनीतिक विचारधाराओं पे, और खुद जो है आप जात के आधार पर बटे, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो फाइल है वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय के पास है, लगभग 15 दिन में या 1 महीने में खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे लगता है कोई खुशखबरी मिलने वाली नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका प्रयास सिर्फ इतना है कि जो आगामी जो लोक विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं उसमें भाजपा सिरमौर की 500 सीटों को इस आधार पर एसटी के मुद्दे पर जीतने का प्रयास कर रही है, जो कि पूरी तरह से मुझे लगता है कि वहां की जनता के साथ धोखा होगा, वहां की जनता को गुमराह करने का प्रयास होगा। मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब केंद्र में मोदी जैसी सरकार बैठी हुई है, प्रदेश में जयराम सरकार बैठे हैं, और दोनों पार्टियां केंद्र की भी और प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतने समय तक लोगों को मौका क्यों दिया जा रहा है कि इसमें भाजपा के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, कई तरह के जो संगठन है वो भी आगे आकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा साफ होती, अगर ये 154 पंचायतों के 3.5 लाख लोगों को भाजपा एसटी का जनजातीय दर्जा देना चाहती है, अगर इनकी सच्चाई है, इनकी मंशा साफ है, तो ये तो एक ही एकदम होना चाहिए था ताकि इस तरह की जो बातें वो सामने नहीं आती। अब ये बार बार ये सवाल करते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज को लेकर उनका पक्ष स्पष्ट नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि 2016 में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, उन्होंने इस फाइल को सबसे पहले दिल्ली भेजा था, क्योंकि वहां पर एनडीए गवर्नमेंट थी, वो फाइल उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस टाइम प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार के अंतर्गत राज्य सत्ता चल रही है, केंद्र में जो है मोदी सरकार बैठी है, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। यूपी की कई उपजातियां जो है एसटी में दर्जे में बदल चुकी है, कि दूसरे राज्यों के भी लोग हैं जिनको ये दर्जा मिला है, तो सिरमौर के जो 1.5 लाख छोटा सा एक ग्रुप है, जनसंख्या है, वहां के लोगों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? इनकी पूरी मंशा ये है कि इसको जो है असेंबली के चुनाव के दौरान एक मुद्दा बनाना है और इन्होंने वोट बैंक करना है। मैं दावे से कहता हूं कि लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुए थे, 2018 में सिरमौर में केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द आपको एक तोहफा मिलने वाला है, हम आपको एसटी घोषित कर देंगे। लेकिन आज तक 4 साल हो गए, अब फिर चुनाव आने जा रहे हैं विधानसभा के, अब ये इस भाजपा वाले इस मुद्दे को फिर उठा रहे हैं, और कोशिश भाजपा के नेताओं की और भाजपा की ये है कि सबका सब जो काम है, सब जो क्रेडिट। एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।